हेलो एवरीवन, इस वीडियो में साउंड कंपैरिजन करेंगे विजडम शेयर स्मार्ट टीवी की साउंड को बोट के एक स्पीकर के साथ जो कि बोट स्टोन 350 है। सबसे पहले मैं अपने स्मार्टफोन को काइंडलिंक के थ्रू इससे कनेक्ट कर लेता हूं। इसमें ये काइंडलिंक ऑन हो गया और वहीं स्मार्टफोन में आपको कास्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अभी सबसे पहले हम लोग टीवी में साउंड चलाएंगे और उसके बाद स्पीकर में साउंड चलाएंगे। इसमें मैंने कुछ गाने डाउनलोड कर रखे हैं जिससे क्या कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। तो अभी सबसे पहले टीवी की साउंड विजडम शेयर टीवी में साउंड के अलग अलग मोड दे रखे हैं तो उन सभी मोड पे चलाएंगे। जैसे कि अभी पहले मूवी वाला मोड है तो मूवी वाले मोड पे साउंड चलाते हैं। इस टीवी में मूवी वाले मोड पे और म्यूज़िक वाले मोड पे साउंड लाउड आती है और मैंने अपनी साउंड भी लगभग 30 के आसपास ही रखी थी और इतने साउंड पे भी 30 की वॉल्यूम पे भी अच्छी खासी साउंड आई टीवी में से। अभी सेम साउंड को इस स्पीकर के साथ चेक करेंगे और इस स्पीकर को टीवी से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑक्स का सपोर्ट दिया हुआ है तो ऑक्स से कनेक्ट कर लेंगे। ऑक्स सपोर्ट के लिए इस टीवी में पीछे की साइड पोर्ट दिया हुआ है और सेम इसी तरीके से आपकी टीवी में पोर्ट दिया हुआ होगा। अब मैं ऑक्स को इससे स्पीकर से कनेक्ट कर देता हूं और फिर साउंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अभी ये स्पीकर कनेक्टेड है और मैं मोबाइल की वॉल्यूम को फुल कर देता हूं और जो टीवी की वॉल्यूम है उसे 1 या 2 पर ही रखता हूं। फाइनली आप लोगों ने दोनों साउंड सुनी होंगी स्पीकर की और टीवी की। अगर लाउडनेस की बात करी जाए तो नो डाउट लाउडनेस में स्पीकर ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। लाउडनेस टीवी में भी अच्छी है पर वो स्पीकर से थोड़ी कम है। पर साथ ही टीवी में एक्स्ट्रा फीचर ये मिलता है कि आपको अलग अलग साउंड के मोड मिल जाते हैं। जैसे कि ये साउंड के अलग अलग मोड हैं, स्टैंडर्ड, म्यूज़िक, मूवी, और ये मोड एक्चुअल में वर्क भी करते हैं। फाइनली इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।